अस्सलामुअलैकुम, आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद, शामिल करेंगे आपकी हेडलाइंस। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बर्फबारी ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। वादी लेपा का जमीनी राबता एक हफ्ते से मुनकता। जागरा, केल, सरदारी, शोमटर वैली में आवाम मैसूर, बटग्राम में सड़कें बंद। दीरबाला में बर्फानी तोदा गिरने से जाबहक नौजवान की लाश 20 घंटे बाद निकाल ली गई। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ कफूर का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जरूरत थी। पार्लियामेंट नहीं चाहेगी तो फौजी अदालतों में तौसीन नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुखालिफत कर दी। कराची में इजलास के बाद रहनुमाओं का कहना था कि अब फौजी अदालतों की हिमायत होगी, ना 18वीं तरमीम पे समझौता। ऑपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली के लिए पीर को बैठेगी। वजीर आजम इमरान खान ने निहत्थे कश्मीरियों की आवाज अक्वामे मुत्तहदा तक पहुंचा दी। जनरल असेंबली की सदर मारिया फेनेना से मुलाकात में कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इमरान खान ने गुस्ताखाना खाकों पर किरदार अदा करने पर भी जोर दिया। मारिया फेनेना की जानिब से अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक भारत मानीखेज मुज़ाकरात के लिए उम्मीद का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि वो अपने दफ्तर में दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे हैं मगर अब तक कोई कामयाबी नहीं हुई। रावलपिंडी चकलाला स्कीम में घर में गैस लीकेज से धमाका, एक बच्चा और दो खवातीन जा बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक गैस लोड शेडिंग के बाइस चूल्हे का वाल्व खुला रह गया, सुबह नाश्ता बनाने लगे तो धमाका हो गया। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की आज एहतसाब अदालत में चौथी पेशी। नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की जाएगी। जमीनों पर कब्जे के केस में खोखर बरादरान को 30 जनवरी तक जमानत में तौसी मिल गई। लाहौर की सेशन अदालत ने शफी खोखर की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। अमरीका में सरकारी शटडाउन का 28वां रोज, सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को डील की पेशकश कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, मेक्सिको सरहद पर दीवार के मामले को सियासत से दूर रखा जाए। बहुत से डेमोक्रेट्स मुत्तफिक हैं मगर कहने से डरते हैं, काम पर वापस आएं और डील कर लें। मेक्सिको में फ्यूल पाइपलाइन में आग लग गई, 20 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब लाइन से फ्यूल चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। माँ जिंदा होती तो मैं बागी क्यों बनता, तुम मेरे लिए सजा बनकर क्यों आते हैं। बाज मौतें ऐसी होती हैं जमाल, जो पूरी कौम की जिंदगी बन जाती हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो आमिर का वो जुल्म भी खत्म हो जाएगा जिसने मेरी माँ की जान ली थी। और गरजदार आवाज, जानदार अंदाज, लॉलीवुड के पहले सुपरस्टार सुधीर को बदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। लाला सुधीर ने 200 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए।